अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का क्वेश्चन रिलेटेड है ज्योमेट्री से। हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें फाइंड द वैल्यू, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई की वैल्यू मालूम करें, वाई की वैल्यू। और इसके साथ साथ दिया है एक पैरेललोग्राम और यहाँ पे मेंशन भी है बी सी इज इक्वल टू बी ई, यानी ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल है। यानी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसमें दो एंगल हम लोगों को दिए हैं और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ई सी या जो भी आप नाम देते हैं सी बी ई या बी सी ई, ये एक ट्राइंगल है। यानी एक क्वेश्चन बना है पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के कम्बिनेशन से, और साथ ये भी मेंशन है कि पैरेललोग्राम में ये दो एंगल दिए हैं x प्लस 20 डिग्री और 120 माइनस एक्स डिग्री। और या फिर ट्राइंगल के लिए क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू बी ई, यानी ये जो लेंथ है बी सी लेंथ और बी ई, यानी ये जो लेंथ दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल की मुख्तलिफ अकसाम होती है, उनमें से एक किस्म ये भी है कि जब भी दो साइड्स बराबर हो तो वो ट्राइंगल कहलाता है एसोसीलियस ट्राइंगल। यानी आप ले हम लोगों के पास दो साइड्स बराबर है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये कौन से ट्राइंगल की टाइप है, एसोसीलियस है। तो एसोसीलियस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी साइड बराबर हो तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होती है। यानी इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा, ये है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों बराबर है। यानी इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, इसकी जो वैल्यू है इसकी बराबर है एंगल्स। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों ने यानी इस क्वेश्चन को यानी थोड़ा सोच ले कि क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये एंगल मालूम करना है, एक एंगल मालूम हो जाए तो बाकी दो मालूम कर सकते हैं। ये इस एंगल को मालूम करने से पहले हम लोगों ने एक और काम करना है, यानी ये एंगल मालूम करना है। इस एंगल के बगैर हम लोग ये एंगल मालूम नहीं कर सकते। ये एंगल मालूम करना है सबसे पहले, यानी ये वाला, ये एंगल मालूम करना है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो हम लोगों को पता अभी सिर्फ पैरेललोग्राम कंसिडर करें या इसको क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं क्योंकि इसके चार साइड्स हैं, चार साइड्स और चार एंगल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये एंगल और ये एंगल, इसके एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में टोटल इंटरनल इंटीरियर एंगल का मजमुआ 360 के बराबर होता है। तो इस एंगल को नाम दिया, हम लोगों ने मालूम करना है ए नाम दिए, ए, ये और ये दोनों बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल, इसको मैंने नाम दिया ए और इसको भी मैंने नाम दिया ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दो दफा मैं लिखूंगा 2a। फिर मैंने इसको प्लस करना है क्योंकि इंटीरियर एंगल को जमा करके 360 के बराबर लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, x प्लस 20 डिग्री मैंने ये एंगल लिखा। फिर ये तो मैंने इसमें कवर कर लिया कि ये a के बराबर है, अभी मैंने लिखना है 120 माइनस x प्लस 120 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोगों ने सिर्फ सम किया, ए इसको मैंने दोनों एंगल बराबर है इसको मैंने नाम दिया, एक मरतबा ए ये वाला लिखा और फिर ये लिखा, तो दोनों को जमा करके 2a मैंने डायरेक्ट लिखा। तो यहाँ पे एक प्लस एक्स है और एक माइनस एक्स है, दोनों कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2a प्लस 20 और 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2a इसी तरह रहेगा, 140 प्लस है तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए तो माइनस हो जाएगा 140 डिग्री, 2a बच जाएगा 2a, यानी 360 से 140 माइनस कर दें ये आ जाएगा 220 यानी 220 220 आ गया। अभी हम लोगों ने दो से डिवाइड भी करना है, यानी एक वैल्यू चाहिए, तो दो से डिवाइड करें तो हम लोग के पास आ जाएगा 110 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो बराबर है
110 डिग्री और ये एंगल भी बराबर है 110 डिग्री। यानी सबसे पहले हम लोगों ने ये काम किया कि ये एंगल मालूम किया। अभी हम लोगों ने मालूम करना ये एंगल, इसको नाम दे बी या जो भी नाम देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ बी, तो बी के लिए बी, ये बी हम लोग पता है कि कोई भी लाइन स्ट्रेट हो तो वो जो एंगल है वो 120 बनाती है। यानी ये जो एंगल स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है टोटल 180 डिग्री है। 180 से मैंने 110 माइनस 110 माइनस करना है तो बच जाएगा ये एंगल। ये थोड़ा कंसंट्रेट कर ले कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टोटल ओवरऑल एंगल 180 डिग्री बनाती है। 180 से मैंने ये माइनस 110 माइनस कर दूं तो हम लोग के पास ये एंगल बच जाएगा, यानी एंगल CBE। अभी मैंने एंगल CBE को मैंने नाम दिया बी, बी को बी प्लस बी प्लस 110 डिग्री, यानी ये लिखा। इन दोनों का मजमा किस चीज़ के बराबर है? 180 डिग्री। आप यहाँ पे रिमार्क्स या रीजन में लिख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल मेक्स 180 डिग्री। अभी बी की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है, तो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल हम लोग के पास आया ये 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री है। अभी हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये और ये जो एंगल है दोनों बराबर है। मैं इसको भी नाम दे वाई देता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल किसी भी दो साइड बराबर तो इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होती हैं। तो ये इसका अपोजिट एंगल है और ये इस साइड का अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने इसी को नाम दिया वाई। अभी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। जिस तरह पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल का मजमूआ 360 डिग्री के बराबर है, इसी तरह ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का मजमूआ 180 डिग्री के बराबर है। अभी मैंने सिंपली इसको प्लस करना है तो y की वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी। नाउ 70 प्लस प्लस y प्लस y, यानी 70 प्लस y प्लस y, ठीक है, मैंने दो मरतबा लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बराबर है अभी y, और y कितना हो जाएगा 2y 70 है, तो दूसरी तरफ आ जाए तो माइनस होगा प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 110। 2y इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी सिर्फ y के लिए हम लोगों ने मालूम करना है, तो 2 से डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 55 डिग्री। यानी y की वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर ली 55 के बराबर है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और इसमें y की वैल्यू मालूम करनी थी। सबसे पहले हम लोगों को दिया कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलियस ट्रायंगल, जिसके दो साइड बराबर होते हैं और दो एंगल्स भी बराबर होंगे। इसकी मदद से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया और y की वैल्यू मालूम की।